झालावाड़ जिले के गंगधार में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एजाज घोसी, राष्ट्रीय सचिव भूपेन बुंदेला, प्रदेश अध्यक्ष जीतू गोस्वामी, प्रदेश सचिव आकाश सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक मिश्रा, इंदौर शहर अध्यक्ष गोलू ठाकुर ने बताया कि टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की हर जगह यूनियन है, जिसमें कभी किसी भी क्षेत्र में ड्राइवरों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसमें रास्ते में एक्सीडेंट, रास्ते में गाड़ी खराब होना व अन्य चीज़ों को लेकर ड्राइवर परेशान होते थे, लेकिन यही यूनियन लगभग सभी क्षेत्रों में है, इसका लाभ ड्राइवरों को मिलेगा। बैठक में गंगधार निवासी महादेव गोस्वामी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष जावेद खान, सचिव श्याम गोस्वामी, सह सचिव सद्दाम मंसूरी, कोषाध्यक्ष दुर्गेश गोस्वामी, कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी संजू भंडारी, मीडिया प्रभारी साजिद अली, सलाहकार विनोद मेहर, संगठन मंत्री अकबर मंसूरी को नियुक्त किया गया। सभी का साफा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान अहमद हुसैन, फिरोज अली, शानू, आशीष भट्ट, जितेंद्र सिंह देवड़ा, गोविंद गिरी, जितेंद्र सिंह, राजेश तिवारी, राहुल सेन, सत्तू मेहर, विक्रम लाल आदि मौजूद रहे। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, गंगधार, राजस्थान से रिपोर्ट। क्या नाम कहा आपका? मैं सुशील सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत। किस संबंध में आपका यहाँ आगमन हुआ है? आज चौमेला में टीम गठित करना था, टीम गठित के साथ साथ ही आज ड्राइवर दिवस है, तो ड्राइवर दिवस मनाने के हिसाब से हम लोगों का यहाँ आगमन हुआ है। ये टीम गठित करने का मेन उद्देश्य क्या है? सारथी हित के लिए कार्य करना, हमारा उद्देश्य जो है सेवा करना है, सारथी हित के लिए कार्य करना है। सारथी परेशान होते हैं, RTO पुलिस प्रशासन जो परेशान करती है, आए दिन सारथी भाइयों के लिए प्रॉब्लम आती है, उसके लिए खड़े रहना, सारथी हित के लिए कार्य करना हमारा उद्देश्य, मेन सेवा करना है। आपको यहाँ आके कुछ ऐसा अलग माइनस ऐसा कुछ लगा है जिससे ड्राइवरों के अंदर, जैसे कि एक होता है अक्सर कि ड्राइवर के अंदर भेदभाव चलते हैं, अगर ऐसी चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी सारथी भाई एक साथ में हैं और एकजुटता के साथ कार्य करने का किया हुआ है। आज हमने हमारे जो है महादेव गोस्वामी जी को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया है और हमारी सबकी सहमति के साथ में महादेव जी को अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है।